सावन के समय कैसा भीड़ रहता है? सावन के समय में बहुत भीड़ रहता है, पूरा मेला लगा हुआ रहता है, पूरा महीना लगा हुआ रहता है, पूरा एक महीना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोग को लेके चलते हैं हम लोग बड़का गांव बुढ़वा महादेव, जो हजारीबाग जिले में पड़ता है। बड़का गांव वहाँ बुढ़वा महादेव का मंदिर है, जो काफ़ी ही फेमस है, ठीक है, और मतलब काफ़ी प्रचलित है। वहाँ का मान्यता है कि आप जो भी मांगे पूरा होता है। तो चलिए आज आपको महादेव का दर्शन कराते हैं। जय महाकाल। देखिए हम लोग पसेरिया पहुंच चुके हैं और यहाँ से दो रूट है, एक बड़का गांव के लिए, एक बादम होते हुए। तो हम लोग नया वाला रूट से जाएंगे लोग बड़का गांव, और ये रूट जो है ये बादम के लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रही है सामने, ये विश्रामपुर की दामोदर नदी है, और यहाँ से जस्ट लेफ्ट साइड जो रास्ता करती है ये बुढ़ा महादेव की तरफ जाती है। हम लोग पहुँच गए हैं बुढ़ा महादेव के रास्ते पे, और पहाड़ियों में जा रहे हैं लोग, काफ़ी रोमांचक भरा सफ़र फील हो रहा है। ऐसे रास्ता में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही अनुभव देता है, मजा आ रहा है। क्या है, बहुत ही मुश्किल भरा रहा सफर चढ़कर आने में हम लोग का, काफी ही विचित्र है। यहाँ शिवलिंग का स्वरूप बनाया हुआ है और ये काफी ठंडा है और इसमें लगता है कबूतर रहते हैं। ये बड़ा सा चट्टान को काट कर बनाया गया है, छोटा सा रूम टाइप से है, छोटा नहीं, काफी ही ठीक ठाक रूम है। इसके अंदर शिवलिंग का स्वरूप बनाया हुआ है और ये पूरा ही नक्काशी जितना भी है एक ही पत्थर पे, ऐसा नहीं कि ज्वाइंट वगैरह है, सारा एक ही पत्थर पे है। अंदर से आपको दिखा रहे हैं, ये रहा अंदर का नजारा, काफी अच्छा। आइए, ये है सामने छगड़ी गोदरी, जहाँ राजा रानी अपना बकरा बकरी खस्सा खस्सी सब बांधा करते थे। और यहाँ भी एक शिवलिंग का स्वरूप है और आप देख सकते हैं काफी बेहद तरीकों से इस पत्थर को भी कटिंग करके बनाया हुआ है, ये टोटल पत्थर है। बकरी गोदरी देखने के बाद अब चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे मारवा खानवी की तरफ। हम लोग पहुंच चुके हैं बुढ़वा महादेव, और उससे पहले आप सब देख सकते हैं मड़वा खान भी, यहीं पे राजा रानी लोग का शादी हुआ था। देखिए मड़वा गड़ा हुआ है, उसका सब छिद्र अभी भी आपको दिख सकता है। मातो जी है जो गुरु चट्टी से है, ये आपको द्वारपाल के बारे में बताएंगे, इस जगह के बारे में बताइए।
यहाँ से राजा से गुफा के बनाए हैं इंदुवरपाल के और बुढ़वा महादेव है ने हुआ से मंदिर जा थल बनावे तो हुआ से सपना दिया शंकर भगवान के और वो सब इतना पचड़ी दिया हुआ है। अच्छा। हम एक बचपन से हम देखे हैं पहले के बात है कमच्छन नारायण के गतिया हल है तब वो बनाए तो जाकर शंकर भगवान हमारे अपने निकला हाँ तब वो छोड़ दिया हमने। और आप जो देख रहे हैं ये जो द्वारपाल जी का मंदिर है यहाँ पे यहाँ हाथी का चित्र बनाया हुआ है और ये पहाड़ को कटिंग कर अंदर शिव जी का मंदिर बनाया हुआ है जो आपको अंदर से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है यहाँ छोटा सा ये पूरा पहाड़ को कटिंग करके बनाया गया है धोया वोया गया पूरे पार्ट हुआ है काफी सुंदर है। एगो आ रहे पहाड़ के जा रहे हैं शुरू में ऐसा कटिंग करके बनाया था पहाड़ के जा रहे कहाँ पे वो गुफा है कहाँ पे हुमा जो ये सीढ़ी देख रहे हैं पहले एक लोग इधर से ही आना जाना लोग करते थे पहले बाइक की सुविधा नहीं था रोड नहीं बना हुआ था वैसे आने जाने के लिए लेकिन अब बन चुकी है और ऊपर भी बहुत अच्छी जगह पे है जो वहाँ आपको ले चलेंगे बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए। द्वारपाल देखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। देखिए दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं बुढ़वा महादेव। देखिए सामने का नजारा काफी अच्छा है और अब हम लोग यहाँ पहले पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद आपको पंडित जी के द्वारा कुछ यहाँ के बारे में महत्वपूर्ण आपको जानकारी दिलाएंगे। देखिए हम लोग बुढ़वा महादेव आए थे और हम लोग पूजा पाठ कर चुके हैं और मंदिर के बारे में जितना आपको डिटेल बताना है आइए यहाँ के पुजारी जी से बताते हैं जो बहुत पहले से यहाँ पे रहते हैं। ये शिवालय बहुत ही प्राचीन काल के हैं। ये जब राजा दलेल सिंह जब यहाँ पे रह रहे थे तो उनसे भी पहले का ये शिवालय है। सावन के समय कैसा भीड़ रहता है? सावन के समय में बहुत भीड़ रहता है पूरा मेला लगा हुआ रहता है पूरा महीना लगा हुआ रहता है पूरा एक महीना सावन मेला लगा रहता है। पूर्णिमा के दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पत्थर जो मूर्ति है निकला हुआ है और ये बाबा बताएंगे आपको इसका हकीकत क्या है तो बाबा बताइए। तो यहाँ जैसे धाम होता यही मूर्ति यही लखे मिलतो ओकरा खोजे के बहाना से यहाँ जे बात माने दिल साफ हो और खोजबत्ता और ऐसी ना समझ ला। अच्छा अच्छा और यहाँ पे जो शिवलिंग है यहाँ पे इधर आ जाए आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे शिवलिंग जो है बहुत पुराना शिवलिंग है लोग बताते हैं कि शिवलिंग भी खुद से निकला हुआ खुद से प्रकट हुआ है तो आपको हम ये दिखाना चाहते हैं आप भी इसका दर्शन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही पुराना शिवलिंग है और बाबा इसके बारे में आपको भी बताएंगे और रूबरू कराएंगे। हाँ तो बाबा बता दें ये शिवलिंग भी खुद से निकला हुआ है ना ये शिवलिंग। शिवलिंग ये समझा कि युग जमाने से हो राजा राज हलै ना तकर पहले से समझ ला और हम इनके बाप दादा खन से है समझ ला। अच्छा हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया
और ये जगह काफ़ी ही शांत और काफ़ी ही अच्छा है। यहाँ का जो भी जानकारी था आपको हम लोग पुजारी जी के थ्रू दिलाएं, और हम भी लोग चाहते हैं कि आप भी आए घूमे फिरे, काफ़ी ही अच्छा जगह है और यहाँ सावन के समय काफ़ी अच्छा मेला वगैरह लगता है, तो एक बार जरूर आप लोग आए। ये था मोदी पहाड़ पे स्थित बूढ़ा महादेव, जहाँ का आज का हम लोग का सफ़र था, और आज का सफ़र हम लोग का काफ़ी रोमांचक रहा, काफ़ी मुश्किलों भरा रहा, बट बहुत ही मज़ा आया। आप वीडियो देखें और कमेंट में बताएं कि क्या कमी रह गई, क्या कैसे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और हमारे हौसला को बढ़ाएं।